हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे आईपीएल में सबसे ज़्यादा टीमों के लिए खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है आरोन फिंच। इन्होंने जितने टीमों के लिए खेला है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आरोन फिंच 2022 से पहले 8 टीमों के लिए खेल चुके हैं, जो है राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वारियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, किंग इलेवन पंजाब और आरसीबी, और इस बार केकेआर के साथ भी जुड़ चुके हैं। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी जो फिंच के बाद सबसे ज़्यादा टीमों के लिए खेले हैं, उसमें है पार्थिव पटेल, जो सीएसके, कोची टस्कर्स केरला, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। उसके बाद है युवराज सिंह, जो किंग इलेवन पंजाब, पुणे वारियर्स इंडिया, आरसीबी, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। उसके बाद है ईशांत शर्मा, जो केकेआर, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, किंग इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं। उसके बाद है इरफान पठान, जो किंग इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, राइजिंग पुणे सुपर जायंट और गुजरात लायंस के लिए खेल चुके हैं। उसके बाद है दिनेश कार्तिक, जो दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, गुजरात लायंस, केकेआर और इस बार दोबारा आरसीबी के साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद है थीसारा पेरेरा, जिन्होंने सीएसके, कोची टस्कर्स केरला, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग इलेवन पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए खेल चुके हैं। तो फिंच के अलावा इन 6 खिलाड़ियों ने 6 टीमों के लिए खेल चुके हैं।